Hello everyone, welcome to India Travel Diaries again. We are at new location called as a Kalamzai, which is just 100 kilometers from Pune and very near to Pune Nashik Highway. Let's get more information about this place from the local villagers of this place. आप यहाँ देख सकते हैं, वहाँ एक गुफा थी, गुफा में भगवान का मंदिर था अंदर, लेकिन 5 साल पहले यहाँ डेवलपमेंट किया हुआ है। आप देख सकते हैं, घंटा भी 5 साल पहले बैठाई गई है और ये कंपाउंड भी किया है। और बारिश के समय यहाँ से वाटरफॉल रहता है, बहुत बड़ा रहता है, अंदर एक वाटर टैंक भी होता है इधर से, और स्विमिंग करते हैं हम। यहाँ 3 किलोमीटर से पहले गांव है हमारा, घर गांव, वहाँ से हम हर रोज बारिश के समय और विंटर के समय आते हैं और यहाँ से स्विमिंग करते हैं। इधर ऊपर भी एक अभी डेवलपमेंट हुआ है, वही तो भरती का। ये पहले बंदर नहीं था तो वो टाइम इधर क्या क्या होता था पहले? 5 साल पहले छोटा था पहले, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं था। ऊपर से हम छलांग लगाते थे, ऊपर से पानी में डायरेक्ट। हाँ, पानी में डायरेक्ट। अरे बाप रे, अभी सूखा पड़ा है ना, इसलिए अभी पानी नहीं इसमें। और ये ग्राम दैव थे कैसे फिर? ग्राम दैव थे, 5000 साल पुराना ऐसे कहावत है इसकी, पांडवकालीन देवी का मंदिर है, लेकिन अभी डेवलपमेंट किया है इसमें। अच्छा, वो जाएंगे आप अंदर भी देखेंगे। और ये पेड़ भी देख रहे हैं ना आप, ये भी बहुत साल पुराने के, 100-150 साल के पेड़ सब। बारिश के इस बार सूखा पड़ा था ना, इसलिए जब पानी नहीं है, नहीं तो बहुत अच्छा है था। अगली बार बारिश के सीजन में आएंगे हम लोग। नमस्ते, ये नगर डिस्ट में संगमनेर तालुका में ये घरगांव ऐसा प्लेस है कि ये नगर डिस्ट में सबसे पुराना देवी का मंदिर है, सबसे पुराना। बाकी जो कोई भी कहे, ये बाकी लोग बोलते हैं ये पुराना वो पुराना, लेकिन हमारा जो मंदिर है यहाँ कलमजाई का, ये सबसे पुराना मंदिर है, नगर का सबसे पुराना मंदिर है। और ये घरगांव में पहाड़ी इलाके में आता है और यह बारिश के समय यह वाटरफॉल्स भी चालू रहता है और इसके ऊपर सब आदिवासी रहते हैं। और ये जो आदिवासी लोग जो है ये देवी की आराधना करते हैं। और इसके नीचे जो हिस्सा है, ये जो लोग रहते हैं घरगांव के ग्रामस्थ, ये भी देवी की पूजा करते हैं। और महत्वपूर्ण ये बात है कि ये देवी जो नवस बोलते हैं वो पूरा करती है। कमलजा देवी ही आमचं ग्रामदैवत असून गावापासून 3 किलोमीटर अंतरावर ही देवी बसलेली आहे। ह्या देवीची आख्यायिका अशी, हिचा एक निश्चित भक्त होता आणि तो मिलिटरीमध्ये होता, त्याच्या मानेजवळ उघडे गेली, दुसऱ्या वेळेस डोक्याजवळ उघडून गेली, तेव्हा तो त्या भक्त असल्यामुळे तो दोन्ही वेळेस वाचला म्हणून त्यांनी ही जीर्णोद्धाराची ही केलेली। या पुढे नंतर हे गावच्या प्रयत्नातून ह्या देवीचा विकास होण्यासाठी याच्यामध्ये निसर्गाचं त्यांना अनुदान मिळालेलं आहे 25 लाखाचं, आणि त्यातून ही विकास कामं झालेली आहे। अशी ही देवी नवसाला पावते आणि आमची गावची ग्रामदैवत आहे। हॅलो दोस्तों, मैं रोहन। कल आपने देखा होगा, कल के दिन हम लोग शनिवारवाड़ा 360 शूट करने के लिए गए थे। आज एक अननोन प्लेस विजिट है कि ये 100 किलोमीटर दूर है अपने पीसीएमसी से। वहाँ से इधर आने के बाद 3 किलोमीटर अंदर आना है। मैं आपको सब वीडियो में मैप वगैरह दे दूंगा। यहाँ आने के बाद आपने अभी आपने देखा कि गांव वाले कितना मानते हैं देवी को। यहाँ आने के बाद आप एक देख सकते हैं कि ये बहुत सारी घंटी आपको दिखेगी, ये इसे पारना दिखेगा आपको, सब बहुत बहुत सारे इधर सब दे दिया। ये मन्नत पूरा होने के बाद ये लोग
ऐसा देवी को अर्पण कर देते हैं। इसके बाद आप देवी देख सकते हैं, ये देवी है ये वाली, और ये वाली एक इसकी बहुत मजेदार कहानी है। अभी गांव वाले ने मुझे बताया, ये जो दो पत्थर है, आपके मन में अगर कोई भी इच्छा हो कि वो पूरा होगी या नहीं होगी, ये समझने के लिए, मतलब यहाँ पे यहाँ पे ऐसा करके यहाँ इसको जोर से चिपकाना होता है। फिर अभी इसमें सिंदूर नहीं है, और ये चिपकाने के बाद ऐसा हाथ करने का, अगर ये पत्थर राइट वाले में पत्थर गिरा तो आपका जो काम है वो पूरा होता है, और लेफ्ट में गिरा तो नहीं होता है। मतलब एक आपको एक कौल देती है ये जो देवी, ये दोनों पत्थरों से बहुत मजेदार है। ये हम ट्राई करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि ड्रोन भी अभी फ्लाई करना है, थोड़ा लाइट कम हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा इसलिए। तो चलो अभी पहले दर्शन कर लेते हैं। हम लोग ड्रोन पहले फ्लाई करते हैं, पर और एक मजेदार कहानी है इस मंदिर की, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर बारिश में आते तो बहुत मजा आ जाता, क्योंकि यहाँ पे बहुत पानी रहता है। तो अभी देखेंगे क्या लगता है। अभी ड्रोन शूट तो हुआ है, लेकिन अभी गांव वालों ने एक इंटरेस्टिंग कहानी बताई इस मंदिर के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि जब ऐसा कहा जाता है गांव वालों ने जो बताया उसके उससे कि जो पांडव थे वो वनवास पे थे, तो वो यहाँ से ऐसा गुजर रहे थे, वनवास पे नहीं थे शायद, क्योंकि वो बोल रहे थे कि रथ से गए यहाँ से। जो रथ लेके आए तो जैसे जैसे रथ चलता गया तो नीचे अलग अलग किस्म के ऐसे पत्थर बनने लगे। तो यहाँ से एक आधा किलोमीटर की दूरी पर हम अभी वही जा रहे हैं, वहाँ पे ड्रोन शूट करेंगे और शूटिंग करेंगे। इधर का तो शूटिंग हो चुका है अभी ड्रोन का। कहानी ऐसी है कि जो धर्म थे उनके सपने में एक देवी आ गई थी, तो उन्होंने कहा था कि बिना शस्त्र के तुम मेरे लिए एक मंदिर बनवाओ जो एक गुफा में या फिर झाड़ी में हो, जंगल में हो। तो वो वहाँ से गुजर रहे थे, तो गुजरने के बाद उधर जहाँ पे उन्होंने जो वो रथ है जहाँ पे लगाया था वहाँ से उधर से इधर तक वो चल के आए, और पूरी रात में ये मंदिर उन्होंने अपने उंगलियों से ऐसे उंगलियों से बनाया पूरा। यहाँ पे कोई शस्त्र वगैरह कुछ हम कुदल फावड़े ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पांच पांडवों ने मिल के ये मंदिर बनाया गया, ऐसे गाँव वालों को मानना है, ऐसी उसकी कथा है। तो चलो वो रथ जहाँ से गया था वहाँ पे जो अलग किस्म के जो पत्थर है वो अभी देखते हैं हम जाके। अभी हम वहाँ से जो मंदिर था कलमदाई का, वहाँ से एक आधा किलोमीटर दूरी पर आ गए वहाँ जहाँ पे वो जो रथ था वो इस पाथ से गया था,
तो ये पत्थर आप देख सकते हैं, देखो सब ऐसे अलग किस्म के पत्थर है, जहाँ जहाँ से औरत गए यहाँ से 100-150 किलोमीटर तक ऐसा ही है, सब ऐसे पत्थर है। तो जाकर अब यहाँ पे जो खेती वगैरह बना है तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया अभी, लेकिन हम ड्रोन से दिखाएंगे तो आपका पूरा रास्ता दिखेगा। हम अभी यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करने वाले हैं, ऐसा सीधा सीधा गए हैं। चलो अभी इधर का भी शूटिंग हो गया है, हम आप पूरे वीडियो में अभी एंड में आपको दिखाएंगे, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ये बहुत एक नंबर। ये देखो सब उधर अलग पत्थर है, नॉर्मल पत्थर है, और ये पूरा ऐसा जो पैच है, मतलब जहाँ से औरत गया था, इसकी चौड़ाई 10 फीट रहेंगी, ज़्यादा रहेंगी 10-12 फीट। ये 12 फीट का पूरा ऐसा 150-250 किलोमीटर तक है, 12 फीट का ऐसा पूरा 150 किलोमीटर तक ऐसा बोलते हैं, और नीचे तक के पूरा, क्योंकि हमने अभी देखा जो कुआं रहता है तो कुओं के अंदर तक एक जगह पे ऐसे ही सेम पत्थर थे। वो भी अभी हो सका तो शूट करेंगे, क्योंकि लाइट कम पड़ रहा है और हमको पुणे निकलना है जल्दी से आज, तो थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एक बार देखो ये So today we saw Kalamzai temple as well as this farms. I felt very good. Thanks for you also. Actually ये हमारे रिश्तेदार है, हमारे साथ आज हम तीनों ही आ गए थे, शंभू, शेखर डुमरे सर और मैं, हम तीनों ने आज बहुत enjoy किया। एक unknown place देखा, वो रोड देखा, मैंने आपको बताया जो रथ वाला वो क्लास था आज के पूरे दिन का, ड्रोन शूट हुआ। तो अभी हम चलते हैं पुनः निकलने के लिए, 3 घंटे में हम घर पे पहुंच जाएंगे। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए, बहुत जरूरत है अभी।